नवादा में पुलिस वाले भी अब चोरों के निशाने पर आ गए हैं। चोरों ने एक घर में रिटायर्ड दरोगा व उनकी पत्नी को बेहोश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 25 से 30 लाख रुपए का जेवरात की चोरी की बात सामने आ रही है। यह घटना रजौली थाना क्षेत्र के मुरहेना गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात्रि में 4 से 5 की संख्या में रहे चोर रिटायर्ड दरोगा कामेश्वर प्रसाद यादव के घर में प्रवेश कर गया और दरोगा व उसकी पत्नी को नशीली दवाइयां सुंघाकर दोनों को बेहोश कर दिया। उसके बाद आराम से चोरों ने पूरे घर को खंगाल दिया। पीड़ित रिटायर्ड दारोगा कामेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि इस घटना के बारे में कुछ याद नहीं। सुबह उठे तो दोनों पति पत्नी को नशा जैसा लग रहा था। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर में रहे सभी बेशकीमती सामान लेकर चलते बने। इस घटना में कुल 25 से 30 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। फिलहाल घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस रिटायर्ड दारोगा के घर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस खोजी कुत्ते को बुलाकर चोर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बहरहाल इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। नवादे से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सर आपका रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हैं और मेरा घर अस्थाई परमानेंट घर दिखता भी है और ऑल मुकाम यहाँ जो है मुरहेना में 50 से 55 साल से रह रहे हैं। यहाँ मेरा अस्थाई प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद है और फादर्स नेम श्री स्वर्गीय झरी प्रसाद है ना। तो ये जान लीजिए हाल मुकाम मुरहेना में 50 बरस से मैं रह रहा हूँ। इसके बाद पहले भी पूर्वज लोग रहते थे, तो इस पीरियड में आज तक कोई घटना ऐसी नहीं घटी। अब जो आज हम रात्रि बीते रात्रि में दैट मीन्स आपको 26 जो था उस 26 को रात्रि में 9 बजे खाना खाकर प्रेम से दोनों प्राणी पलंग के ऊपर सो गए और जब हमको जो है कोई पता नहीं चला। जब 4 बजे सवेरे में उठे हैं तो देखे कि वो हमारा जो है सो झुकनी जैसा लग रहा था और लगा कि कुछ ये है, तो हमको लगा कैसा काहे हुआ भाई। हमको लगा कि कुछ नींद तो अच्छा कमी नहीं था। कितने परिवार घर में सो रहे थे? मात्र दो व्यक्ति, दो परिवार थे, मात्र दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी जी। वे दो हम बता रहे हैं कि दोनों बूढ़ी है को बूढ़ा। उस पीरियड में वो जो है सो सोई हुई थी, हम जो है सो देखे और बताए कि भाई ये तो सामान बिगा हुआ है, क्यों आए दोनों फाटक खुला हुआ है। बोले बोले तो एक बक्सो नहीं है। तब बोली कि बक्सो नहीं है। तब दोनों बक्सा क्या, तो बक्सा जो था एक नीचे रखा था, एक फूल के ऊपर रखा था, उसमें मेन मेरा ऑर्नामेंट्स है ना, ऑर्नामेंट्स जिसमें तीनों पुस्त का तीनों जगह का उस सामान उसमें उसका रखा हुआ था। उस सामान मेन मुद्दा जो है वो देखा। दूसरी बात है 5 से 6 लाख रुपया नगद होगा, 500 का नोट होगा, 2000 का भी नोट होगा, 200 को होगा, 800 का होगा। उसमें ही आपको इनको रखा हुआ था, प्लस में जो ऑर्नामेंट्स में मेरा था एक और जो हो गया था, जो मेरे इतना बपोती संपत्ति के बाद में मेरी बेटी यहाँ थी उस शादी फंक्शन में आई थी, वे सामान शादी कब हुए नहीं होने वाला था जिसके चलते हम यही सामान रख दी थी, उसका भी सब जेवर उसका चुरा के ले गया। मेरा बेटी भी चबर चुरा लिया, मैंने देखिए उसी बक्सा में रखा था तो दूसरे साल का थोड़ी दिया तो ले गया। अब ये लगभग कितना का जेवर ले गया होगा? मैंने बताया ना 20 से 30 के बीच में होगा, 20-25 जो कहिए, लेकिन ये पूरे पूरे हम तो 20 से 25-30 लाख का, 20 से 25 लाख हम लिखे हुए हैं और क्या हो फिर हम लोग उसको मापन और तोलन तो नहीं किया, लेकिन ये जान लीजिए कि बपौती चीज था, जो हौसली था, जो सोना था वे उभार में था, नहीं कि आपको एक भर के दो भर के नहीं होगा, सब कीमती सामान था उसमें। हमारा पूरी प्रॉपर्टी सब ले गया, थोक माल वही है, प्लस में 5 से 6 लाख रुपया नगद है वो ले गया। अब क्या है क्या नहीं है इसके बाद कुछ भी पता नहीं, कौन ले गया क्या ले गया अज्ञात। हमको लिखे हैं FIR नाम भी दर्ज किया, FIR ने किसी को नाम देखे नहीं जानते हैं। अब तो भाई पुलिस अनुसंधान कर रही है, उस अनुसंधान में मैं क्या कर सकता हूँ। अनुसंधान के आधार पर पुलिस तो सब कुछ करती है,
वो हर चीज के छानबीन कर सकती है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस जो है थोड़ा बहुत डिटेक्टिव से और पत्रकार लोग इसकी सूचना थाना में कितने बजे थी? थाना में सूचना हम सवेरे ही दिए थे। हमारा फोन जो है ना तीनों उठा कर के ला दिया, देखिए वो बोरा के नीचे रख दिया था। हम तो अब कुछ मोबाइल नहीं है तो हम कैसे बात करें? तो हम बोले तो जब आ गया लोग तो बोले कि बेटा मोबाइल तो लगता है तीनों ले गया। बोले क्या तो मोबाइल बजा रहा तो कड़ी हो रहा था, तो मोबाइल बजा था तो उन्हें खोल रहा है, सब उन्हें खोल रहा है। इतना तो दोनों बक्सा घर के पीछे वाला खेत में रख दिया था। हाँ खेत में रख नहीं दिया, खेत में तोड़ के पूरी जो ऑर्नामेंट प्लस पैसा निकाल दिया और सब सामान उसमें छिटला दिया, मैंने बिखेर दिया, बिखेरा हुआ है। तो अभी उसी के विषय में वो आए और पुलिस पदाधिकारी थाना प्रभारी आए और उसमें छानबीन किए और अनुसंधान है, पत्रकार लोग आए हैं भी उनमें।